हाय गाइस, आप अपने चैनल वीबीजी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। दिसंबर साल 2019 को रिलीज होने वाली है सलमान खान की फिल्म दबंग 3। इस फिल्म का इंतज़ार किया जा रहा है काफ़ी वक्त से, क्योंकि गाइस साल 2013 के बाद फाइनली दबंग 3 आने वाली है। साल 2019 में इतने लंबे ब्रेक के बाद अगर सलमान खान आ रहे अपने सीरियस को लेकर सामने, तो जाहिर सी बात है कि इसमें स्पेशल बातें खूब होने वाली है। जैसे कि ये आप खूब अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, उसमें सलमान खान के दो लुक सभी को देखने को मिलेंगे। एक तो होगा चुलबुल पांडे यानी कि पुलिस ऑफिसर बने सलमान खान, उससे पहले की जर्नी, तो वही दूसरी और चुलबुल पांडे बनने के बाद लाइफ में कैसे दिखते बन रहे हैं। यहाँ दो लोगों के साथ खूब धमाल मचाने आ रहे हैं सलमान खान के। दरअसल कुछ वक्त से खबर सामने आई थी कि सलमान खान के साथ मुन्ना बदनाम सॉन्ग यानी के दबंग 3 के सबसे हिट होने वाले आइटम सॉन्ग पर डांस करने वाली है मौनी राय, और मौनी राय यहाँ पर सलमान खान की शरण लेते हुए आगे बढ़ने वाली है। मगर गाइस देखिए, यहाँ पर चार जम मिस कर चुकी है, क्योंकि जहाँ बोल चूड़ियों से रिप्लेस की जा चुकी है मौनी राय, तो वही वो सलमान खान की सुपर डुपर होने वाली फिल्म हिट दबंग 3 से भी हो चुकी है अब रिप्लेस। आइटम सॉन्ग में अभी रिप्लेस करते हुए सामने आई है वरीना हुसैन, जो कि सलमान खान के प्रोडक्शन तले और उनके जीजा के साथ नज़र आ चुकी है लव यात्री में। और लव यात्री में उनके डेब्यू परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, और ये पहली बार है कि आइटम सॉन्ग करती हुई वरीना हुसैन को देखा जाएगा। इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने वाली है वैदेही वरचैन, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपने कोरियोग्राफी की वजह से, डांस की वजह से। अब देखना ये है कि सलमान खान को वो किस तरीके से परफॉर्म करवाती है इस गाने पर, और उसी के साथ उनके हुक स्टेप्स एक बार फिर से छा जाते हैं। अब इंतज़ार ये रहेगा इस फिल्म का भी और इस आइटम सॉन्ग का भी, जो साल 2019 को जो सबसे हिट सॉन्ग माने जाने वाला है। गाइस, आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं इस फिल्म का, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।